तो हम बात करते हैं सम इफ एक्स एक गूगल शीट के अंदर कुछ सम इफ के क्वेश्चंस के बारे में। हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, इसी क्वेश्चंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि मुझे मेरे पास जो डेट है, आप देख पा रहे हैं ना डेट, मैं एक काम करता हूँ, मैं 2022 का डेट डाल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा 2022 का डेट है। मान लीजिए क्योंकि डेट वाइज है ना, मुझे यहां पे चाहिए जैन महीने में टोटल क्वांटिटी कितनी हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम यही है कि मैं कैसे निकालूं, क्योंकि डेटा में जैन नहीं है ना, तो डेट है ना सर। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो मैं यहां मंथ का कॉलम ऐड करूंगा और यहां टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के इसमें से मैं MMM तीन बार लिख के एंटर करूं, बंद कर दिया, तो सारे मंथ आ गए। आ गए, क्या आ गए। अब इसके बाद मैं अपना सम इफ लगा लूं, इक्वल सम इफ या रेंज क्राइटेरिया एंड सम इफ, सिंपल है, तो दिक्कत नहीं इसमें। बस दिक्कत कब होगी कि भाई आपको डेटा में किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है। हो सकता है डेटा किसी से लिंक है, या हो सकता है कि आपको मना किया गया है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे जैन डेट के अकॉर्डिंग ही करना है, जो करना है यही फॉर्मूले में ही करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट डेट, हमने आपको सिखाया था डेट के फॉर्मूले में कि वन डैश और मैं इस जैन को सिलेक्ट कर लूं और एन परसेंट 2022 क्या आ जाएगा, स्टार्ट डेट आ जाएगा 1 जनवरी 2022। क्या सर? हाँ 1 जनवरी 2022। अब यहाँ पे इसकी हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला ईओ मंथ। ईओ मंथ क्या करता है सर, पता है आपको? एंड ऑफ मंथ है या क्या है ईओ मंथ का मतलब? या ईओ मंथ एंड ऑफ मंथ, लास्ट डेट ऑफ द मंथ, बताया था आपको मैं डेट के कैलकुलेशन में। हाँ ये क्या करता है, इस महीने की लास्ट डेट निकालता है, कॉमा जीरो, ये हमारा डेट दे दिया। तो जो भी मंथ यहाँ डालूंगा, मैंने फैब डाला तो फैब का स्टार्ट डेट एंड डेट आ जाएगा, मार्च डालूंगा मार्च का आ जाएगा, अप्रैल डालूंगा अप्रैल का आ जाएगा। क्या ठीक है? अच्छा, आपको मैंने समझाया था बिटवीन के मुझे 50 to 80 के बीच की वैल्यू सम करनी है, तो क्या करेंगे यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला सम इफ्स। क्या लगाएंगे, क्योंकि मल्टीपल कंडीशन है, और मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करूंगा कॉमा इन्वर्टर कॉमा में डालूंगा ग्रेटर देन 50, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे वापस एक बार और डालना पड़ेगा, बस ओनली ग्रेटर देन, उसके बाद 50। हाँ ग्रेटर देन 50, और फिर वापस इसको सिलेक्ट करूंगा कॉमा लेस देन 80, लेस देन इक्वल टू 80 या ग्रेटर देन इक्वल टू 50, वो आप पर डिपेंड करता है। एंटर मारते हैं 50 टू 80 के भी, एक मिनट 82 हो गया, ओ सॉरी यहाँ पे कॉमा छूट गया, रिजल्ट आ गया सर। ठीक है, अच्छा मैंने अब यहाँ ये पे 50 से 80 के बीच में कैसे काउंट किया सर? इसलिए क्या किया, यहाँ पे डेटा पे गया 51 52 ऐसे जी। हाँ ठीक है बताओ। अच्छा 50 80 के बीच में कौन करता है? ठीक है हाँ, जो जिसने समझ गया, 50 से ऊपर 74 को ले लिया, 79 ले लिया, 73 इसको ले लिया, इस 95 को ठीक ले, है नहीं 95 नहीं लेगा, ठीक है नहीं ठीक है 78 को ले लिया, ऐसे लेगा, ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ यहाँ आप देखिए क्या है कि 50, अगर मान लीजिए कि 50 को मुझे लिंक करना है तो 50 डिलीट कर देंगे, और क्या करेंगे इसको कॉन्केट कर देंगे 50, हाँ कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ 80 भी ऐसे करेंगे, हाँ 80 में यहाँ ग्रेटर लेस देन और हम कॉन्केट कर देंगे 80, तो लिंक हो गया इससे। जी हो गया अभी लिंक, 50 to 90 करेंगे तो चेंज हो रहा है,
हाँ सिक्सटी ठीक टू नाइनटी है करें तो चेंज हो रहा है। ठीक है। ऐसे हम डेट में करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला किसका, सम इफ्स का। सम इफ्स में रेंज हमें सम किसका करना है, क्वांटिटी का, और हमारा क्राइटेरिया वन कौन सा है, डेट है। और हमने यहाँ पे लिखा कि ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने बोला मंथ का स्टार्ट डेट, और फिर इसको वापस सेलेक्ट किया और हमने बोला मंथ का एंड डेट, समझे। मेरे को यही पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आपने क्या करेंगे बताइए। ये लगाया, एक बार आप फिर से आओ सर, काटो इसको, मैं धीरे धीरे एक बार पढ़ता हूँ। देखो सुनो सुनो, जो फॉर्मूला हमने यहां दिया है ना सेम फॉर्मूला, बट डिफरेंस क्या है कि इसमें ई, इसमें ई है, कॉलम ई है और यहाँ पे डेट है। हमें एक क्योंकि डेट भी एक तरह क्या होता है, नंबर होता है ना सर, बताया था आपको याद होगा। हाँ तो हम दो नंबर के बीच के, जैसे दो नंबर के बीच की वैल्यू मैंने उठाया, ऐसे दो नंबर के बीच की वैल्यू हम यहां से उठाएंगे, समझे कि नहीं। हेलो नंबर की वैल्यू, नंबर तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ठीक है आप ठीक कर है क्या रहे ठीक है, हो। अभी नंबर हो गया, ये नंबर हुआ कि नहीं हुआ सर। एक टेक्स्ट है सॉरी, डेट वैल्यू देना पड़ेगा इसे प्लस। हो गया सर, ये भी नंबर हो गया, ये भी नंबर हो गया। तो जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है 260 पे, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, 44,662 से बड़ा और 44,661 से छोटा, 81 से छोटा, जैसे यहाँ पर 60 से बड़ा और 90 से छोटा है, हाँ तो सम इफ्स लगेगा इसमें, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सम रेंज को सिलेक्ट कर लिया लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया अब मैं यहाँ सेलेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट लिख दू 44 ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू 44,652, या फिर ऊपर की तरह हम इसको कॉनकेट कर दें, दोनों एक ही बात है। लिया ठीक फिर है। वापस सेकेंड कैटेगरी के लिए वापस ई वाई को सेलेक्ट किया और ठीक वापस हमने इसको सेलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे सही ये ग्रेट लेस देन इक्वल टू, और हमने सेलेक्ट कर लिया एंड डेट को। ठीक कोई कंफ्यूजन है इसमें सर। है। अभी तक तो नहीं है। हाँ ठीक है, आप एंटर प्रेस करें। बट डेट में ले जाने के लिए हम डेट वाली फॉर्मेटिंग को फिल कर रहे हैं, कुल मिला के यही है। देखिए इसकी फॉर्मेट से इस फॉर्मूला है, कोई लेना देना नहीं है, बात समझ जाइए। ये डेट है, बेसिकली क्या है कि हमारे डेटा में डेट है, तो हमें दो डेट के बीच की वैल्यू चाहिए। हमारे पास सिर्फ मंथ है यहाँ पे, तो मंथ से हमने कॉनकेट करके स्टार्ट डेट बना लिया और ईओ मंथ से हमने लास्ट डेट ले लिया, मेरे पास दो डेट आ गए। हम जैसे यहाँ दो नंबर के बीच में वैल्यू किए हैं, ऐसे हम यहाँ पे दो डेट के बीच की हमने टोटल निकाल लिया, सिंपल। अभी आया वो चीज समझ में, ठीक समझ है। गए। अब मेरे को ये चीज समझ में आया कि जो हमने पहला जो किया वो तो हमने कॉन्केट कर लिया, ठीक है। अप्रैल के साथ एक को कॉन्केट करके और 2022 लिख के हमने उसका 1 अप्रैल 2022 कर दिया, ठीक है। अब जी, ईओ मंथ हमने लास्ट वाले के लिए लगाया ताकि वो महीने का लास्ट वाला डेट निकल सके। जी बस यही पे मैं कंफ्यूजन होता है, ईओ मंथ वाले पे। ठीक है, बस हो गया, ठीक है सर। यहाँ समरी बात है। अब जैसे कि यहाँ मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टोटल, निकालना है ना सर। ठीक तो मुझे स्टार्ट डेट तो हर महीने का स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टार्ट डेट तो एक ही होगा पर एंड डेट अलग अलग होगा ना सर। अलग अलग होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लगाया फॉर्मूला वन डैश ठीक है, एंड हमने सेलेक्ट किया इसको, फिर वन एंड ठीक है, एंड डैश और दो हजार ईयर ऊपर हमारा है, ईयर को चौबीस सेलेक्ट ठीक कर, 2017 है, मैं है, 2022 2017 कर देता हूँ उसको, ठीक है, कोई हो गया। हाँ अब मैं यहाँ पे एंड ई ओ मंथ लगाया और इस महीने के लगाया, लास्ट डेट ले लिया, आ बस गया ठीक 31 जनवरी 2022। अब इसको नीचे की तरह ठीक हम ड्रैग इसको फ्रीज कर दें एक बार, ए8 को ठीक एंड है बी ठीक फोर को, है। इन देखिए अब
अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं तो हर महीने की स्टार्ट डेट एंड डेट पता चल जाएगा। जाएगा, सॉरी, ये चलो हमारा चलो चलो, एक मिनट, ये इसको फ्री ये कर नहीं देते हैं, फ्री होगा ना, ये नहीं फ्री होगा, ठीक है आ गया। ठीक अब मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला सम इफ्स का। अब इसमें थोड़ा है क्राइटेरिया डन। ज्यादा है हमारा, ठीक है ना। तो पहले तो जाके हम सम रेंज ले लेंगे क्योंकि हमें क्वांटिटी का सम करना है। फिर हमारा क्राइटेरिया ठीक फर्स्ट रेंज है नेम, तो नेम को सेलेक्ट है, करेंगे। नेम फिर सेलेक्ट के वहां बाद से हम जाएंगे नेम प्रोसेस समरी पे और हम अपना रवि को सेलेक्ट कर यहाँ लेंगे। फिर हमारा सिटी भी से, चेक करना है तो डेटा शीट पे आते हैं, सिटी को सेलेक्ट कर लेते सिटी हैं से ठीक और यहाँ पे है ना, हम सिटी समरी में सिटी ले लेते हैं। अब बात आती है मंथ की, ठीक है। तो डेटा में जाते हैं, हम डेट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक डेट को सेलेक्ट करने के बाद इन्वर्टेड कोमा में ग्रेटर देन इक्वल टू और इसके साथ में हम इस महीने जिसका डेटा निकाल रहे हैं उसका स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिए सर। है। फिर वापस डेटा में जाते हैं और वापस में हम कॉलन ई को सेलेक्ट करते सेलेक्ट हैं करते और इसमें बोलते हैं हैं कि लेस देन इक्वल टू और आके हम और एंड एंड डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं समरी में। ठीक है, लास्ट एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ गया। अब बात आती है कि इसके लिए हम अलग अलग कॉलम रखे ना। अब इसको मर्ज कर ठीक देते हैं, इसको कॉपी, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ जो हमारा ईओ मंथ था उसमें पेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ जहाँ जहाँ पे D8 है, D8 कहाँ है, यहाँ पर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको। और जहां पे E8 है वहां पे ये आपका ईओ मंथ का फॉर्मूला कॉपी करके डाल दीजिए। समझ गए। लास्ट में और नीचे ड्रैग करना है तो हमें क्या करना होगा, B2 को फिक्स फिनिश करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, B3 को फिनिश करना पड़ेगा, B3 बाकी को, तो नहीं, B3 को और B4 को B4 तो ऑलरेडी फ्री हो ऑलरेडी गया। फ्रेश। हाँ, और फिर इस तरफ नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, आ जाएगा मंथ वाली रिपोर्ट आपका। अब मुझे MRP का एवरेज चाहिए तो सारा फॉर्मूला सेम हो क्योंकि सम इफ और एवरेज इफ दोनों एक ही जैसा काम करता है हाँ ना। बस वैल्यू तो मुझे चेंज कर देनी है। हाँ, तो मुझे यहाँ पे पेस्ट कीजिए सम इफ के जगह पे हम यहाँ एवरेज इफ दे देंगे, एवरेज इफ। और कॉलन सी है, सी के जगह पे दे देंगे डी क्योंकि हमारे MRP डी कॉलन में आ गया एवरेज। अब इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए तो सारा का सारा जो आपका बाकी जितने क्वेश्चंस है इसी फॉर्मूला के बेस, ठीक है। बस उसका स्टार्ट डेट एंड डेट आपको निकालना है। क्या निकालना है, बस समझ गया, स्टार्ट डेट और स्टार्ट एंड डेट डेट। एंड डेट। स्टार्ट डेट एंड डेट निकाल लिया तो बाकी सब ठीक है। ये फाइल शेयर कर समझ दूं, गया, हाँ फाइल शेयर कर दो। अब एडिट का इसकी वो दे देना सर, एडिट क्या का परमिशन, एडिट नहीं है इसमें। नहीं मुझे तो लगता है आपने दिया था। ठीक है, ठीक है, दोबारा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इससे आगे हाँ इन्फॉर्मेशनल फॉर्मूले के बारे में कर हाँ पड़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, गुड नाइट।